हाँ गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार रमाशंकर नमस्कार नमस्कार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, आज जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा चल रहा है पूरे दिन से, और ये जो है लाउड स्पीकर को लेकर बताएंगे आप लोगों को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट हैं, और एडवोकेट होने के नाते सामाजिक गतिविधियों पर बड़ा पैनी नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो मैं चाहूंगा उमेश गुप्ता जी, अभी हमारी आवाज आ रही है? गुप्ता जी, चर्चा चल रही थी कि ये जो लाउड स्पीकर पर, हेलो, हाँ जी बोलिए। ये लाउड स्पीकर पर बड़ा गहमा गहमी चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, जो लाउड स्पीकर बजने नहीं चाहिए या बजते भी हैं तो वो एक जो एक डेसिबल लेवल है ऑनरेबल हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का, या जो ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से जो भी मानक तय किए गए हैं उस हिसाब से चले। और दूसरा ये है कि मान के चलिए कि कोई भी धार्मिक स्थल है और वो रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है या उसके साथ और भी लोगों के घर हैं, तो वो उन सब का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये नहीं कि खाली भक्ति भाव और उस सब के चक्कर में हम आम आदमी को वो रोजमर्रा की परेशानी झेले। कोई बीमार भी हो सकता है, किसी की पेपर पड़ी, परीक्षा भी हो सकती है। और दूसरा ये मानना है मेरा कि भाई भगवान या अल्लाह कोई बहरा तो है नहीं, आप बिल्कुल। उसे, ये तो मन से याद करने वाली चीजें हैं, तो ओवरऑल लाउड स्पीकर या जो म्यूजिक सिस्टम या ये सब तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन गुप्ता जी, ये अभी कुछ ही दिन से क्रेज कर रहा है, कुछ ही दिन से बात ट्रेंड हो रही है ये लाउड स्पीकर की। इससे पहले भी तो आज मैंने बात की कई लोगों से, तो कह रहे सदियों से लाउड स्पीकर बजते हुए आए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन हुए हैं इसको बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? सदियों से देखिए ये कोई पैमाना नहीं होता। मान के चलिए कोई एक आदमी कहीं से कुछ सामान उठा के ले जाता था और सालों हो गए उसे नहीं कभी गलत कहा या किसी ने कुछ कहा, रोका टोका, तो ये नहीं कि वो हमेशा ही ऐसा करता रहेगा। तो कोई आधार नहीं होता सदियों से, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। ऐसे सदियों का वो देखोगे, सदियों पहले तो लोग बाग अपने संदेश कबूतर के सहारे भेजते थे, फिर चिट्ठी पत्र के सहारे भेजते थे, तो हम वो क्यों नए जमाने की चीजें यूज करते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल या जो भी मैसेंजर सर्विसेज हैं, क्यों करते हैं, उसी पे लगे रहे हैं, तो ये कोई आधार नहीं है। लेकिन इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया क्या है वो बताएं जरा, जो लोगों में एक दहशत बनी हुई है, कभी बुलडोजर को लेकर डराया जा रहा है, कभी लाउड स्पीकर पर बड़ा गहमा गहमी शुरू हो जाती है, तो इसमें लाउड स्पीकर पर कानूनी प्रक्रिया क्या है बताएं जरा। देखिए सीधा सा है, अगर कोई भी एक चीज को लेके किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ ही कार्रवाई चले तो वो उस विषय की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, जो यूजफुलनेस है, जो उसका उसकी ग्रेविटी है, वो कम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब अगर इसी में मैं देखूं, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अगर देखा जाए, अब भले ही महाराष्ट्र में एजेंडा कुछ भी हो या और कहीं कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने यहाँ कहा कि भाई मंदिर और मस्जिद दोनों में ही समान रूप से कार्रवाई करनी है। और जहां तक मेरे संज्ञान में बात आई है तो मैंने देखा वो हुई भी है उसी हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई एक ही धार्मिक संस्थान के पीछे पड़कर आप उसको उस नजरिए से देखो तो वो गलत है, लेकिन हाँ अगर जहां तक आवाज की बात है, तेज आवाज की बात है, वो कहीं से भी आए तो वो गलत है। और उससे क्या है कि लंबे समय तक अगर आप तेज आवाज के संपर्क में रहते हैं तो आप कानों से बहरे हो सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है रोज। नहीं तो अगर जिस आदमी को ये लगता हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसको कहो आधे घंटे अपने कान पे ना थाली जरा पिटवाता रहे, बस आधे घंटे बाद उसको क्या हालत होगी, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन गुप्ता जी, ये लोगों का ये कहना है कि ये अभी नहीं हो रहा है तो पुरानी परंपरा है।
नहीं देखो, पुरानी परंपरा अगर पुरानी बात करी जाए तो पहले अब देखा जाए जो लोग परंपराओं की दुहाई देते हैं, दोनों ही साइड के मैं लोगों को कह रहा हूँ, अब कुछ लोग अजान के नाम पे तो कुछ लोग क्या नाम हनुमान चालीसा के नाम पे परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि भाई ये खोज कर ली जाए कि लाउडस्पीकर का जो आविष्कार है वो कब हुआ था। तो लाउडस्पीकर का आविष्कार और अगर हम अपनी जो धार्मिक गुरु हैं दोनों ही साइड के, तो वो बताएंगे कि हाँ भाई जो हमारी परंपराएं हैं लाउडस्पीकर के आविष्कार से पहले की हैं, तो जो पहले की है तो पक्की बात है लाउडस्पीकर यूज नहीं होता था, तो उसको परंपरा का हिस्सा तो बना ही नहीं सकते। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय, जैसे राय ठाकरे जी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद हम तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देंगे, भाई ये गलत है। अब एक लाउड स्पीकर जो एक ध्वनि प्रदूषण वाला मुद्दा हो सकता था, एक बढ़िया मुद्दा हो सकता था, उन्होंने उसमें जो मस्जिद शब्द जोड़ दिया कि मस्जिदों से उतरवा देंगे, यहाँ गलत कर दिया। वो ऐसे बोलते कि जहां कहीं भी तेज बजेगा उसे उतरवा देंगे, एक बार को समझ में आता। तो तेज वाली चीज तो कोई भी हो सकती है, मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, क्योंकि तेज आवाज तो तेज आवाज है। नहीं तो तमाम मुस्लिम भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको कोई मना थोड़ो किया कि आप हनुमान चालीसा मत पढ़ें, आप अपनी पूजा पद्धति को ना करें, मैंने तो मना नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी मस्जिद के आगे आके शोर करेंगे या हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो यह थोड़ा सा कहाँ तक ठीक है। ना ना वो तो गलत है ही, मैं कह तो रहा हूँ वो तो उकसाने वाली बातें हैं, वो तो बड़ी गलत बात है ही, वो तो गलत है। मैं अब ये मतलब मैंने तो आपने मुझसे लाउडस्पीकर की बात करी थी तो मैंने लाउडस्पीकर के लिए बताया, बाकी अगर कहीं भी जाके आप उकसाएंगे तो वो तो गलत है ही भाई। आजकल राजनीति बहुत ज्यादा, हर मसले पर राजनीति हो रही है। राजनीति देखो मुद्दे, जबकि बड़े सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप डीजल पेट्रोल के दाम है, आप लगा लीजिए सरकारी संस्थानों में जो भी कर्मचारी हैं उनकी कमियां हैं, आप कोई भी एक महकमा उठा लीजिए, चाहे वो स्कूलों का ले लीजिए, टीचर्स का ले लीजिए, हॉस्पिटल का ले लीजिए, या मान के चलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लीजिए, या पुलिस ले लीजिए, फौज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा लीजिए, विभाग उठा लीजिए, सब में कर्मचारियों की दबा के कमी है, दूसरी तरफ बेरोजगारी दबा के बढ़ रही है, तो ये सब मुद्दे होने चाहिए, इनके लिए वो जोर लगाए। लेकिन इस पर जोर कहाँ, कौन बोल रहा है महंगाई पर? आपको लगता है कोई महंगाई पर बोलेगा, कोई बेरोजगारी पर बोलेगा, लगता है आपको? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं तो बोलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं भाई ऐसे मुद्दों की बजाय इन पे बोलना चाहिए, क्योंकि तो बेरोजगारी सबके लिए है, बेरोजगारी सबके लिए है। अगर आप राज ठाकरे साहब जैसे लोगों से बात करोगे तो वो हो सकता है असलम की बेरोजगारी को लेके बड़े खुश हो, लेकिन उनके जो साथ के चार होंगे, ठीक है, रमेश, सुरेश, अशोक, या कुछ भी उपेश ले लीजिए, वो चार और बेरोजगार होंगे। दंगे भी कई जगह हुए हैं वकील साहब, ऐसी खबरें चल रही हैं मीडिया में, दंगे कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं। अच्छा, क्या त्योहारों पर ऐसा होना शोभा देता है? ना ना बिल्कुल नहीं देता। हरियाणा में एक जगह जुलूस निकल रहा था, उसमें फरसा लेकर लोग जुलूस को निकाल रहे थे क्योंकि भगवान परशुराम की आज जयंती है, तो क्या हथियारों को लेकर यह जो निकाली जा रही यात्राएं हैं, ये कहाँ तक आप कानूनी उसके आधार में? नहीं नहीं सब गलत है, मेरा तो ये मानना है सबको आर्म्स एक्ट के अंदर FIR होनी चाहिए, अरेस्ट हो, तो ये सारा इलीगल है, गलत है, गैर कानूनी है। और मेरे नहीं समझ में आता, पता नहीं वो किसको दिखाते हैं, किन से उनको डर पड़ा हुआ है और क्यों दिखाते हैं, बस ये उकसाने वाली चीजें हैं मेरे हिसाब से, तो और कुछ वो नहीं है। अब शक्ति प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन का कोई जरूरत ही नहीं है। बात तो यही है वकील साहब की, जब आपको सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा तो आप क्या शो करना चाहते हैं?
बस कुछ नहीं, ऐसे कर करके बस वो मामला गरम करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, और की कोशिश ये होती है कि भाई दूसरी तरफ से भी लड़ाइयां हों। कहीं ना कहीं इसमें भी हमें ये लगता है कि जो ये सब होता है इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ होता है, ऐसा भी कहीं देखने को मिलता है। देखिए राजनीति तो अब बड़ी, अब इसको क्या कहा जाए, लोगों को एक तरीके से उग्र राष्ट्रवाद और अंध धार्मिकता दोनों को मिलाकर एक अफीम चढ़ाई जा रही है, और लोग उसके नशे में मस्त हैं, और इसका मुझे लगता है बड़ा खतरनाक परिणाम होगा आने वाले समय में, वाकई बड़ा खतरनाक परिणाम होगा। बाद दो त्योहार थे, एक ईद का त्योहार था, एक भगवान परशुराम जी की जयंती थी। दोनों त्योहार थे, लेकिन दोनों त्योहारों के बीच में दोनों समाज, कोई जैसे पहले त्योहारों में गुस्सा होता था, एक उमंग होती थी, एक तरीका होता था, वो आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें क्या हाँ कहें, बाकी ये दुख की बात है, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। राजनीतिक पार्टियों ने और कुछ विशेष पार्टियों ने लोगों के मन में इतना ज्यादा जहर भर दिया कि वो जो उनका दूसरे धर्म का पड़ोसी है उसी को शक की निगाह से देखते हैं, उसी को दुश्मन की निगाह से देखते हैं। तो जाहिर है कि उनके जो भी तीज त्योहार होंगे तो उसमें वो कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, करेंगे ही नहीं। नहीं दोनों पक्ष दोनों की बात कर रहा हूं मैं, मैं तो दोनों के लिए दोनों। कह रहा हूँ, मैं दोनों के लिए तो कह रहा हूँ, मैं नहीं दोनों के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो भी है अपना, उनका जो पड़ोसी है दूसरे धर्म विशेष का, एक का पड़ोसी ए जो है उसका पड़ोसी बी है, तो ये जो चीजें हैं तो पक्की बात है कि ठीक नहीं है। और गुप्ता जी, जो आपने बखूबी बड़ा अच्छी तरीके से लोगों में बताया, एक बहुत बड़ा संदेश, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात को फॉलो करें।